आज भीम आर्मी अब धीरे धीरे संबलपुर में बहुत एक्टिव होते हैं, संबलपुर क्या उड़ीसा में भी सर, तो आज हमारे सामने में सर आपका नाम बताइए। नाम विनय रतन सिंह जी सर। तो सर आप कल भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ और आज भी सर आपने प्रेस मीट की, इसका उद्देश्य क्या आपका? देखिए कल का जो प्रोग्राम है ये पूरे भारतवर्ष में उच्च लेवल में मनाया जाना चाहिए। कल संविधान दिवस है, 70वां संविधान दिवस, और मुझे लगता है कि संविधान दिवस सभी तीज त्यौहार से, धार्मिक तीज त्यौहार से कहीं ऊपर उठ कर गए। तो ये तो प्रत्येक स्कूल में, सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में, गली मोहल्लों में, प्रत्येक जगह होना चाहिए। तो सर जी सर आपने किया, आप सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं? आपका भीम आर्मी, इस तरह एजुकेशन, लोग बैकवर्ड है, घरों से निकलने, सरकार भी कुछ खाने का लोग दे के ले जाती है, खाना तो खिला देती नहीं, पढ़ाई नहीं कराती। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देना चाहते हैं, इसी के अंदर सब कुछ है, यही शिक्षा का अधिकार देता है, खाने का अधिकार देता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय का अधिकार देता है, राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है। तो संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ग के पास संविधान की जानकारियाँ हो, नॉलेज हो, जिससे कि ये लोग अवेयर, अपने प्रति अवेयर हो सकें, शिक्षा के प्रति जागृत हो सकें, आर्थिक व्यवस्था के प्रति जागृत हो सकें, भारत देश के प्रति जागृत हो सकें। तो सर जी सर बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन जब लोग नेता बन जाते हैं, कुछ MLA बन जाते हैं, कुछ मंत्री भी बन जाते हैं, तो वो लोग अपने को भूल के दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे क्या है, हमको बाबा साहब ने बनाया, हम वही कोटा से जीत के आए, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जब नेता कम होते हैं तो वो अपनी चलाते हैं, जब नेता गली मोहल्लों में नेता होंगे, समाज का काम करने वाले लोग होंगे, तो नेता तो बदल दिए जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा सा काम है। बारहवीं बाबा साहब के बाद बाबा साहब ने लिखा, एजुकेशन दिया, समाज को बहुत कुछ दिया, लेकिन उस समाज को, जो जिस समाज को बाबा साहब ने दिया, वो उस समाज तक पहुँच पाया है नहीं पहुँच पाया, ये सवाल है। अभी तक क्षेत्रों में 7 रुपये ज़मीनें नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है, साथ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, नौकरियां नहीं है। जब उनकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी तो उनके बच्चों की उन्नति कैसे होगी, शैक्षिक उन्नति कैसे होगी? सारी उन्नति आर्थिक उन्नति पर बेस है, रोजगार नहीं होगा तो आर्थिक उन्नति नहीं होगी, और अगर आप जमीन दे देते तो कम से कम कुछ तो रोजगार मिलेगा। तो जी सर आपने कहा सर, तो आपका संविधान तो कई लोगों को अच्छी बातें बताता है कि ऐसा करने से ये होगा, तो छोटा जय सर, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको कहा कि नेताजी ने अन्य अन्य पार्टी, कोई BJP में जाता तो कोई कांग्रेस, तो कोई BJD, कोई समाजवादी, हर पार्टी में चले जाते लोग, लेकिन वहाँ वो चीज़ भूलते हैं, तो उनको किस तरह जागरूक करना चाहेंगे कि आप हमारे हैं और हमारे बाबा साहब के लिए आप क्या करना चाहेंगे, लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे, क्यों वो उनकी भाषा बोलते हैं जहाँ जीत के जाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये सोचना पड़ेगा कि हमें नेता किस क्वालिटी के, वो लोग जो वहाँ जाते हैं, जो नेता होते हैं भक्त, जो सिर्फ किन्हीं पार्टियों की भक्तियाँ करते हैं, जिन समाज के मुद्दों पर लड़ करके वो गए हैं, उन मुद्दों की बात नहीं उठाते, तो ऐसे नेताओं का नेता मैं नहीं मानते कि वो लोग नेता हैं, वो चापलूस हैं, दलाल हैं, वो सिर्फ अपना समझ सकते हैं या फिर दूसरे के अंडरटेकिंग वर्क कर सकते हैं। सीधी सी बात है, एक एजुकेटेड पर्सन को जिताकर आप पार्लियामेंट भेजिए, विधानसभा भेजिए, वो किसी भी पार्टी में रहे, वो आपके हक अधिकार की आवाज़ उठाए। जो पार्टी एक नेता को अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए रोकती है, तो उस नेता को उस पार्टी को फौरन त्याग देना चाहिए, या फिर मैं उस पार्टी को पार्टी नहीं मानता जो समाज की उन्नति में बाधक बनती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। जय भीम।